आज मैं आपके सामने लेके आया फिजिक्स का एक बेहतरीन सवाल। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस से मैं आपको बताऊंगा इन सवाल को ट्रिक से कैसे करते हैं, है नहीं है? तो आप अटको नहीं, तो मैं आपको बहुत शानदार ट्रिक बताने वाला हूं। लेकिन आपको जनरल में पता होगा, अगर सीरीज में है, करंट सेम है सीरीज में, हम डायरेक्ट जोड़ते हैं इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस को R1 प्लस R2 प्लस R3 से। अगर वो पैरेलल में है तो हम क्या करते हैं, उनको 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 जोड़ते हैं। लेकिन सवाल बहुत ही बेहतरीन था, कैसे हम पहचानेंगे कि वो सब सीरीज में है? मैं आपको बता रहा हूं, अगर करंट सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग है, करंट की वैल्यू सेम है और पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग है, तो मैं कहूंगा सबके सब रेसिस्टेंस सीरीज में है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं। और कब पहचानोगे कि सारे रेसिस्टेंस जो है पैरेलल में है? करंट की वैल्यू जो अलग अलग होनी चाहिए और लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो अगर सेम है तो मैं कहूंगा रेसिस्टेंस पैरेलल में है। क्या बोला? अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम है और करंट की वैल्यू अलग अलग है तो मैं पहचानूंगा ये रेसिस्टेंस किसमें है, पैरेलल में है। चलो, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस को सॉल्यूशन करने के मेरे पास बहुत तरीके हैं। तरीका नंबर 1, पॉइंट मेथड। इसमें मैं पोटेंशियल को लिखूंगा और एक चीज और आपको बताऊंगी, पोटेंशियल वही ड्रॉप होता है जहां रेसिस्टेंस होता है। एक दोबारा मैं बोलता हूं और आप भी सुन लीजिए, पोटेंशियल वही ड्रॉप होगा जहां रेसिस्टेंस होता है। तो आप मुझे ये बताओ, अगर मुझे ए और बी के बीच इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है, मान लीजिए इसका पोटेंशियल वी है, ये लोअर पोटेंशियल 0 है नहीं है? चलिए, इन बीच में कोई रेसिस्टेंस नहीं है, इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना आ गया, वी आ गया। क्या बोला? पोटेंशियल वही ड्रॉप होता है जहां रेसिस्टेंस होता है। आगे जाओ, यहां भी पोटेंशियल कितना जाएगा, वी जाएगा, क्योंकि यहां कोई रेसिस्टेंस नहीं है। आगे यहां भी कितना पहुंचा, वी पहुंचा, और यहां भी कितना पहुंचा, वी पहुंचा, क्योंकि इनके बीच कोई रेसिस्टेंस नहीं है। ये 0, तो यहां पर भी कितना पोटेंशियल चले गया, लोअर पोटेंशियल 0। यहां पर भी कितना पोटेंशियल चले गया, 0। यहां भी कितना पोटेंशियल चले गया, 0। यहां भी कितना पोटेंशियल चले गया, 0। ध्यान से, यहां भी पोटेंशियल था, यहां भी गया, कोई रेसिस्टेंस नहीं है बीच में, वायर का रेसिस्टेंस नेग्लिजिबल। यहां भी है तो इधर भी पहुंचा, कोई रेसिस्टेंस नहीं है। यहां भी है तो इधर भी पहुंचा, कोई रेसिस्टेंस नहीं है। यहां भी है तो यहां भी पहुंच गया। चलिए, मैंने क्या बोला था, ये तीनों रेसिस्टेंस पैरेलल में होंगे। क्यों? सर, इसका पोटेंशियल डिफरेंस वी माइनस 0, इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना, वी माइनस 0। सर, इनका पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, वी माइनस 0, वी माइनस 0। और सर, इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, वी माइनस 0। तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस वी माइनस 0, वी माइनस 0, वी माइनस 0। तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, अगर पोटेंशियल डिफरेंस अगर सेम है, ये सबके सब किसमें होंगे, पैरेलल होंगे। क्या होंगे? पैरेलल होंगे। मैं आज आपके सामने फिजिक्स का ट्रिक भी लेके आ चुका हूं। तो हम कैसे सॉल्यूशन करेंगे, 1/R इक्वल्स टू 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R। तो R इक्विवेलेंट कितना हो गया, R बाई 3 हो गया। कितना हो गया, R बाई 3, 3 बाई R हो गया। तो R इक्विवेलेंट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, R बाई 3। तो ये मेरा पॉइंट मेथड है। पोटेंशियल वही ड्रॉप होता है जहां रेसिस्टेंस होता है, पोटेंशियल वही ड्रॉप होगा जहां रेसिस्टेंस होगा, और जिसका भी पोटेंशियल डिफरेंस अगर सेम है वो सबके सब सीरीज में होंगे, किसमें होंगे, सॉरी पैरेलल होंगे, किसमें होंगे, पैरेलल होंगे। एक और सवाल आपके लिए मेरे सामने, दिक्कत किसी को, तो सबके सब किसमें होंगे, पैरेलल में होंगे। नोट कर लीजिए, सोचो कैसे हुआ।